की बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को फिर से ईडी कार्यालय में हाजिर होना पड़ा है। वो उनसे आज ईडी दूसरे दिन पूछताछ करेगी। बता दें कि बीते कल भी उनसे पूछताछ की गई और ये पूछताछ लगभग 10 घंटे चली। रात के 11 बजे तक ये पूछताछ चली थी और आज फिर से ईडी की पूछताछ शुरू होगी। तो ईडी की रडार पर आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का, पूर्व सचिव, दूसरे दिन भी पहुंचे ईडी कार्यालय। आईएएस से ईडी की पूछताछ शुरू। और बीते कल की अगर बात करें तो लगभग 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ चली थी राजीव से। सहयोगी अंकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ अपडेट्स है? राजीव अरुण एक्का से पूछताछ फिर से आज शुरू हो गई है। बिल्कुल रितिका, देखिए दूसरे दिन भी राजीव अरुण एक्का जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि कल लगभग 10 से 11 घंटे राजीव अरुण एक्का से पूछताछ हुई है। ऐसे में ईडी ने तमाम जानकारियां जो है वो राजीव अरुण एक्का से लिया है। अब जो है दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया है। फिलहाल राजीव अरुण एक्का जो है वो ईडी कार्यालय के अंदर है, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। कल देर रात तक जो है लंबी पूछताछ चली है। लगभग 11 बजे राजीव अरुण एक्का ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे, जिसके बाद आज फिर वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ऐसे में ये कहने वाली बात होगी कि क्या कुछ ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, तमाम चीजों पर जो है गहरी पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आईएएस राजीव अरुण एक्का अवैध खनन मामले पर उनका नाम सामने आ रहा था और इसी को लेकर के जो है अब ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आज की पूछताछ में कितने देर लगेगी, क्या कुछ पूछताछ होगी, फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी राजीव अरुण एक्का से पूछताछ जारी है। जी अंकुर, जैसा हमने बीते कल भी देखा, लगभग 10 घंटे पूछताछ चली, देखकर ऐसा लग रहा है कि ईडी के पास एक लंबी फेहरिस्त है। तो क्या कुछ लगता है इस पूछताछ में और भी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल रितिका, देखिए जिस तरीके से राजीव अरुण एक्का को ईडी ने समन भेजा था, ये जो है जाहिर सी बात है कि ईडी के हाथ जरूर कुछ लगा था। क्योंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जिस तरीके से विशाल चौधरी के घर जो है वो राजीव अरुण एक्का जो है सरकारी काम निपटा रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ था और बीजेपी के तमाम नेता जो है वो ईडी कार्यालय जांच की मांग करने के लिए पहुंचे थे। तो इसको लेकर के जो है ईडी तमाम पूछताछ जो है वो कर रही है और कल देर रात तक पूछताछ चली है, आज भी पूछताछ जो है वो चल रही है। कितने देर तक ये पूछताछ चलेगी फिलहाल देखने वाली बात, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के पास कई साक्ष्य मिले हैं और इसी को लेकर के ये पूछताछ जो है वो चल रही है। अंकुर, जिस तरीके से ये पूछताछ चल रही है ईडी की तरफ से, ये जो कार्रवाई की जा रही है, तो अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं राजीव के लिए? देखिए फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और अभी ईडी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई होती है ये कहना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो पूछताछ चल रही है। क्या कुछ जानकारियां राजीव अरुण एक्का जो है वो ईडी को देते हैं, क्या कुछ जानकारियां ईडी के पास है राजीव अरुण एक्का के खिलाफ, ये तमाम चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज के दिन देखना होगा कि आज क्या कुछ राजीव अरुण एक्का ईडी को बताते हैं और क्या कुछ ईडी के पास हाथ लगते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को फिर से वो मौजूद है, अभी ईडी कार्यालय में मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आज पूछताछ का दूसरा दिन है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आज कुल कितने घंटे पूछताछ चलती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है।